केडीए की ओर से लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है और इसी के तहत नयापुरा क्षेत्र में आरटीडीसी अग्रसेन चौराहे, विवेकानंद चौराहे और नयापुरा बस स्टैंड, साथ ही नयापुरा के तरफ चंबल रिवर फ्रंट सहित अन्य जगहों से कच्चे और पक्के अतिक्रमण हटाए गए। डीएसपी प्रभारी लोकेंद्र पालीवाल ने बताया है कि आयुक्त डॉक्टर रविन्द्र गोस्वामी के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लोगों द्वारा सड़कों पर और फुटपाथों पर इतना अतिक्रमण कर लिया गया है कि आम आदमी को आने जाने के लिए भी परेशानियां महसूस होने लगी हैं, लगातार ट्रैफिक जाम हो रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए श्रीमान कलेक्टर साहब के निर्देशन में व उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हम लगातार हमारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है, जिसमें आज हमने अग्रसेन सर्किल से लेकर विवेकानंद चौराहा से रिवर फ्रंट गेट तक, रिवर फ्रंट गेट से बस स्टैंड नयापुरा बस स्टैंड, वहाँ से रतन कचौरी तक, रतन कचौरी से फिर अग्रसेन सर्किल और वहाँ से किशोर सागर तालाब की पाल तक जो अतिक्रमण किया हुआ था फुटपाथों पर और रास्तों पर, जिससे आम आदमी आ जा नहीं पा रहा था, उनको पूर्ण रूप से हटा दिया गया। आज श्रीमान आयुक्त महोदय एवं सचिव महोदय के निर्देशानुसार संयुक्त टीम द्वारा अग्रसेन चौराहे से विवेकानंद चौराया, चंबल रिवर फ्रंट के रतन कचौरी वाले से किशोर सागर तालाब तक लगभग 4 घंटे कार्रवाई चली है, जिसके तहत अतिक्रमण हटा दिया गया है। एवं इसके अलावा सेकंड कार्रवाई अनंतपुरा फ्लाईओवर के नीचे से अवैध गुमटी और माला वगैरह जो जिन लोगों ने लगा रखे थे उन लोगों को वहाँ से हटा दिया गया, वहाँ सारा अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। लगभग 1 घंटे की कार्रवाई वहाँ चली और इस तरह की कार्रवाई पूरे शहर में की जा रही है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाती रहेगी, ताकि संपूर्ण शहर में जो यातायात व्यवस्था है वो सुचारू रूप से रहे, लोगों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी ना रहे।